दोस्तों आईपीएल 2021 को लेकर डेली ही काफी बड़ी अपडेट आती है और आज भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है। इसके अलावा आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन के लिए रिटेंशन पॉलिसी में बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव किया है। अब दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में 5 प्लेयर रिटेन नहीं होने वाले हैं। पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर दोस्तों आपको भी ऐसे आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग और आरसीबी की टीम की सारी न्यूज सबसे पहले जाननी है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। अब दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 की बड़ी अपडेट की जो कि गाइस निकल के आ रही है बीसीसीआई की तरफ से। दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा जो पहले आईपीएल 2021 की स्टार्टिंग डेट थी वो 19 सितंबर से लेकर 14 या 15 अक्टूबर कही जा रही थी, लेकिन दोस्तों अब बीसीसीआई चाहता है कि आईपीएल के फाइनल की डेट जो है वो थोड़ी प्रीपोन हो, यानी कि थोड़ी आगे रखी जाए और अब हम सभी को 14 या 15 अक्टूबर नहीं बल्कि 10 अक्टूबर को आईपीएल 2021 का फाइनल देखने को मिलेगा। और इसका रीजन है दोस्तों आने वाला टी20 वर्ल्ड कप के लिए दोस्तों सभी खिलाड़ियों को रेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है, जो कि दोस्तों बीसीसीआई करीबन 2 हफ्तों का रेस्ट सभी प्लेयर्स को देना चाहता है। तो गाइस यहां पे 10 अक्टूबर को हम सभी को आईपीएल 2021 का फाइनल देखने को मिलेगा और जो टी20 विश्व कप है वो हम सभी को 24 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। तो आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में 14 दिन का गैप हो जाएगा जिसमें दोस्तों सभी प्लेयर्स जो है वो अच्छा खासा रेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की और ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर। अब दोस्तों जब भी आईपीएल का मेगा ऑक्शन होता है तो हम सभी को पता है कि 5 मैक्सिमम प्लेयर रिटेन हो सकते हैं जिसमें से 3 प्लेयर डायरेक्ट रिटेन होते हैं और 2 प्लेयर आरटीएम कार्ड से रिटेन होते हैं। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों ये रिपोर्ट निकल के आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जहां पे दोस्तों कहा जा रहा है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में 5 नहीं बल्कि 4 प्लेयर रिटेन होंगे। कोई भी टीम सिर्फ 4 ही प्लेयर को रिटेन कर सकती है जिनमें से दोस्तों 1 ओवरसीज या 3 भारतीय खिलाड़ी या तो दोस्तों 2 ओवरसीज और 2 भारतीय खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं। और ये जो बदलाव है दोस्तों शायद बीसीसीआई ने जो 2 नई टीमें आने वाली है उनको देखते हुए किया है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे 4 प्लेयर्स रिटेन होते हैं तो आरसीबी की टीम किन प्लेयर्स को रिटेन करेगी? आरसीबी की टीम के पास 5 से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको दोस्तों आरसीबी की टीम रिटेन करना चाहेगी। लेकिन अगर 4 ही प्लेयर्स रिटेन होते हैं तो आरसीबी की टीम कौन से 4 प्लेयर्स को रिटेन करेगी? आप लोग दोस्तों कमेंट करके इस बात के ऊपर अपनी राय जरूर देना। और अगर दोस्तों मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से विराट कोहली भी डिविलियर्स तो यहाँ पे डेफिनेटली रिटेन होंगे, लेकिन इनके अलावा दोस्तों मोहम्मद सिराज और ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी की टीम रिटेन कर सकती है। देवदत्त पदिकल भी दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, तो देवदत्त पदिकल और ग्लेन मैक्सवेल में से कोई एक ही रिटेन होगा ऐसा दोस्तों मुझे लगता है। लेकिन आप लोग दोस्तों अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो गाइस ऐसे ही आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग और आरसीबी की टीम की न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसका लिंक दोस्तों आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।